May I have your attention, please? Train number 15906, Dibrugarh Kanyakumari Express from Dibrugarh to Kanyakumari will depart at its scheduled time at 19:25. So, दोस्तों यहाँ पे मैम ये शौक हो जाती है टिकट देने वाली कि मैं एंड टू एंड जनरल कोच की टिकट ले रहा हूँ क्योंकि इसके साथ शायद पहली बार हुआ होगा ऐसे। 730 की टिकट मिली हमें। सो हे गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन यात्रा में। और टाइटल देख के आप में से बहुत लोग शौक हो गए होंगे कि भाई ये बंदा है या क्या चीज़ है। तो मुझे भी नहीं पता है मैं क्या चीज़ करने के लिए जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा भाई दिब्रुगढ़ से कन्याकुमारी तक जनरल कोच में ट्रैवल करने का। आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि मैंने हिमसागर एक्सप्रेस में यात्रा करी थी जनरल कोच में, लेकिन तब क्या था कि सीट बुकिंग थी D1 D2 ऐसे था। लेकिन अब का जो जनरल कोच है उसमें कोई भी घुस सकता है, बिना रिजर्वेशन के जाना पड़ रहा है। तो आज की जो हमारी ट्रेन है 15906 कन्याकुमारी दिब्रुगढ़ विवेक एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन है और हमारी 3 रातें और 4 दिन कटने वाले हैं इस ट्रेन में, वो हम कैसे काटेंगे वो आप देखते रहिए, ठीक है। और देखते हैं भाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर मैं जिंदा कर गया इस जर्नी को कंप्लीट, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने ये यात्रा कंप्लीट करी हो। तो देखते हैं भाई, ये अंकल हरियाणा गए हैं, बेस्ट ऑफ लक दे दो अंकल ही। अरे भाई बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हां ये अंकल हरियाणा के। हमारा जनरल डब्बा अनरिजर्व्ड, तो चलिए इसमें चलते हैं। ये देखिए अभी ट्रेन चली भी नहीं और यहाँ पे भीड़ है वो देखिए। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भाई जनरल डब्बे में एक बार कोई बैठ जाता है अपनी सीट पे तो वो उठ नहीं सकता, एक बार वो उठ गया तो उसकी जगह पे कोई और बैठ जाता है। भाई सीट मिल चुकी है यहाँ पे। और भाई कहाँ जाओगे? बेंगलोर। इसी में सही है, अपने भाई बेंगलोर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे भाई कन्याकुमारी तक। तो दोस्तों यात्रा स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको विवेक एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें ना, ये ट्रेन वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, शनिवार को ये दिब्रुगढ़ से चलती है और मंगलवार को ये कन्याकुमारी से चलती है। चलने का टाइम है इसका 7:25 पे, दिब्रुगढ़ से खुलती है 4154 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद चौथे दिन रात को 10 बजे आपको कन्याकुमारी छोड़ती है, यानी कि 3 रातें और 4 दिन। अब इसके साथ लोकोमोटिव कौन सा लगा है? वो डीजल लोकोमोटिव लगा है जो कि इसको पुल करेगा न्यू जलपाईगुड़ी तक। हमारी ट्रेन के साथ WDP 4D का लोकोमोटिव जो कि इसको पुल करेगा NJP न्यू जलपाईगुड़ी तक। न्यू जलपाईगुड़ी से फिर दूसरा लोकोमोटिव लगेगा जो कि इसको पुल करेगा विशाखापट्टनम से तक। विशाखापट्टनम से फिर दूसरा लोकोमोटिव लगेगा जो कि इसको कन्याकुमारी तक पुल करने वाला है। भाई 3 लोकोमोटिव और टाइम लेती है ये 75 घंटे ला लो, 57 हॉल्ट रहने वाले हैं इस ट्रेन के। तो 7:25 हो रहे हैं, विवेक एक्सप्रेस ने डिपार्ट कर दिया है देखिए दिब्रुगढ़ से। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वाली जर्नी, चेहरे पे मुस्कुराहट लेके शुरुआत कर चुके हैं हम। और यही उम्मीद है कि जब हमारी जर्नी ख़त्म होए तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट सदा बनी रहे। बाकी देखते हैं क्या होता है यार, बेशर्मों की तरह चल पड़े हैं हम। चलो भाई दिब्रुगढ़ को बाय बाय। सो अभी भाई मैं सीट पे बैठा ही होता हूँ और ये मेरे को पैसेंजर मुझे डरा देते हैं कि अगले स्टेशन से ये ट्रेन बहुत ज़्यादा भरने वाली है और हमें खड़े खड़े जाना पड़ेगा दिब्रुगढ़ तक। 4 आदमी का कैपेसिटी में 6 आदमी अगर बैठेगा तो कैसे जाएगा? और जब उठेंगे तो कोई और बैठ जाएगा। हाँ तो आप बारी बारी चले जाएंगे ना, जब आपको जाना होगा मैं आपकी सीट देखूंगा, ठीक है। जब मुझे जाना होगा तो आप मेरी सीट देखना, ऐसे ऐसे जाएंगे ना भाई। चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी कितने में है? 100 रुपये का अंडा है, चिकन 120 का। 100 रुपये का? हाँ यार 90 रुपये का आता है भाई। 100 रुपये का अंडा बिरयानी चाहिए लो, चिकन बिरयानी 120 का। अच्छा जबरदस्ती की बात हो गई। क्या जबरदस्ती आपसे कर रहा हूँ, आपको पोसा रहे तो लो। नहीं ये 90 रुपये प्राइस है ना इसका। नहीं होगा ना, है 90 रुपये प्राइस है ना। नहीं तो कैसे हम बोल देगा तुमको भाई, ये 15 की बोतल नहीं है ये, ओ 30 रुपये दे भाई। विवेक एक्सप्रेस में हो रही है अपनी मनमानी गुंडागर्दी हो रही है। ये देखिए ये जो एग बिरयानी है जो इसका ऑफिशियल रेट है वो 90 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे 100 रुपया लिया जा रहा है। और देखिए ये बोतल है जो ये 15 रुपये की है, और कितने लिए भाइयों से? 20 का एक बोतल लिया। सो अभी बिरयानी जो ली है हमने, अंडा बिरयानी, देखते हैं भाई ताज़ी है कि
ऐसे दे दी कल की। बिरयानी ठीक है, ताज़ी है, बट ठंडी हो चुकी है। दो दे दो। पंद्रह पंद्रह की बोतल है यार, हमारा पास नहीं होगा भाई। पढ़े लिखे हैं आप, ट्रेन में ही हो ना? पेंट्री वाला असली जाना, पेंट्री वाला नहीं हूं। आप ट्रेन के स्टाफ हो ना? नहीं है। आप ट्रेन में चढ़े कैसे फिर अगर स्टाफ नहीं है? चलता हूं यहां तक, फिर से क्या उतरेंगे। सो ये लिया हमने दो बोतल, 15 रुपए का रेलवे का। एंड ये भैया है, क्या नाम है आपका? नाम से क्या मतलब? इधर आओ ना, नाम बता दो फिर। बिरयानी वाला 10 एक्स्ट्रा ले गया, बट अगली बार उसको भी बताते हैं। पानी वाला तो भाग गया 30 लेकर। आ गए, आओ धीरे 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 आए। ओ भाई धीरे आओ। हमारी ट्रेन का पहला स्टॉप आया और गैंग अंदर आ गई भगते हुए। इतनी तेजी से आए ना, मैंने सोचा पता नहीं क्या खा ही जाएंगे आज ये तो। बाकी ये बंदा है अपना दोस्त, ये रेस्ट कर रहा है नीचे, भाई रेस्ट कर रहा है, इधर भी रेस्ट कर रहे हैं सारे के सारे दोस्त लोग अपने हैं। नाम क्या आपका? टिकेंद्र। और आपका? प्रकाश। और आपका? दुर्गा। दुर्गा। और आपका? राजा। ये राजा, दुर्गा, प्रकाश, जितेंद्र। घर की चाय है ना, दूध की? हाँ, ये चाय ले ली भाई हमने, चाय है बढ़िया है भाई। छोटे आपने नहीं पीनी चाय? नहीं पीता चाय। दोस्तों डिब्रूगढ़ से 42 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विवेक एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने पहले हॉल्ट पे, जो अपना न्यू तिनसुकिया जंक्शन। न्यू तिनसुकिया जंक्शन पे हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे ये पूरे ऑन टाइम आई थी। और ये जंक्शन इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी चली जाती है डांगरी वाली, एक चली जाती है लीडो वाली जो कि बॉर्डर है, और एक चली जाती है नारकटिया वाली। हमारी ट्रेन जाएगी अभी नारकटिया के रास्ते। सो चुके हैं और अपनी ट्रेन ने हॉन्ग दे दी है न्यू तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से। तो भाई देखिए सारे के सारे जो यात्री हैं वो सो चुके हैं और हम भी जा रहे हैं भाई सोने के लिए। अभी चादर डाल लेते हैं ना, अभी जा रहे हैं हम सोने के लिए भाई। आज तो हमने कब्जा कर लिया, अब कल क्या होगा देखते हैं कल यार। ये 10 बज रहे हैं, 10-11 बज रहे हैं और ट्रेन में सोने नहीं दिया जा रहा है, हाहाकार मची हुई है। अभी बहुत सारे यात्री यहाँ से चढ़ रहे हैं, कोई उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूरी तरह से हाहाकार मची हुई है यार। पूरी टीम बहुत बुरा हाल हो रहा है यार, पहली नाइट में ही बुरा हाल होना स्टार्ट हो गया यार। भाई बंदे का फोन चोरी हो गया यार। मुझे भिखारी बोल रही है। मुझे भिखारी बोल के गया यार, भिखारी को भिखारी बोलना क्या? भिखारी नहीं हां, हां तो पता है तुम भिखारी हो। इतने का 10 रुपए नहीं देता, तुम तो मेरे से भी बड़ा भिखारी है। अरे मुझे लगा कि ऐसे मांगने दे, धमकी देके बोल रहा
देखो 15906 विवेक एक्सप्रेस के एकदम से आए एंट्री देखो ऐसे विलेन जैसी एंट्री मारी और भाई इन लोगों को ऐसे मार मार के नंगे हो के सबसे 10-10 रुपए लेके गए और अगर उनको कुछ बोले ना तो बोलते ये असाम है बेटा असाम। मैंने बोला कोई नहीं यार असाम है तो करोगे क्या, वो चले गए 10-10 रुपए लेके। बट बहुत खतरनाक चल रहा है ये, बहुत गलत बात है किसी से जबरदस्ती पैसे हेंटना। अगर किसी की मर्जी है तो दे अदरवाइज नहीं जी। ये तो भाई मार मार के लेके गए इन सबसे 10-10 रुपए। ये भाई मुझे दास्तां सुनाने लगे अपने, ये खड़े थे गेट पे और इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने 100 रुपया दिया और 100 रुपया लेकर ही भाग गए। देखो भाई इनकी दादागिरी, अब क्या करें इनका खुद बताओ। हुआ अभी आया था वो और दूसरा है तो सब बताओ तो कितने को दें हम, दूसरा है दूसरे किलोमीटर को कितने को दें हम, खाली हो क्या। लो भाई पहली रात तो सो नहीं पाए, पूरी रात इनसे लड़ने के चक्कर में गुजर गए, अब दूसरा दिन देखो यार। मॉर्निंग एवरीवन, आज हमारा दूसरा दिन है विवेक एक्सप्रेस में और देखिए रोंडक मेला लग चुका है, जो होना चाहिए था वही हो रहा है, होने के लिए जा रहा है। देखिए यहाँ पे झूले बन चुके हैं, देख सकते हो पलंग बन चुके हैं यहाँ पे एंड देखिए यहाँ पे नीचे महफिल सज चुकी है। देखिए सुसु करने ये भाई बोल रहा है कि सुसु नहीं करने जाएगा क्या, चलो भाई सुसु कर चलो। मिल नहीं रहा यार, एयरफोन एयरफोन पावर बैंक पावर बैंक। ट्रेन ना वो गुवाहाटी कामाख्या पार कर चुकी है लेकिन ट्रेन की जो हालत होनी चाहिए वो ठीक ठाक है, अभी इतनी भीड़ नहीं है, नहीं सोचते इतनी भरी ट्रेन नहीं है, नॉर्मल क्राउड है ट्रेन। और भाई नीचे चप्पल थोड़ी थी, सुबह उठा चप्पल ही नहीं मिल रही। पहले दिन वॉशरूम में आ गए, पहले दिन जो वॉशरूम की सिचुएशन है वो एवरेज है, मतलब कि आप जा सकते हो वॉशरूम में एंड देन कल कहाँ जाएंगे, परसों कहाँ जाएंगे, उसके आगे कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है हमें। क्या हो गया भैया, क्या हो गया, भाई इधर क्या हो गया कि टाइम पास करा। तो मर्जी है ना, लो ना लो टाइम पास, आप बेचने आए ये तो गलत है ना। क्या ले जाओ, मेरा के टाइम का बहन नहीं है, पकड़ ले उसे, उसे गलती हो गया ना, उसने आपका टाइम वेस्ट किया। नहीं नहीं जाएगा थाना में जाएगा। हाँ ये मेरा गलती नहीं है, एक और बंदा का गलती किया है, उसको 500 रुपया दाम किया, उसने वो भी नहीं, उसने भी नहीं लिया है, हम वहाँ पर खड़े थे तो दाम करने के लिए बराबर जानता है। छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो यार, लीड वाले छोड़ दो यार, भगवान भी आकर बोलेगा हम नहीं बोलेगा। ओ भाई करेगा जेल में जाएगा तू। देखो भाई गरीब इंसान को देख के सब उसको लथड़ते ही हैं। ये बेचने वाला है हेडफोन स्पीकर वगैरह, यहाँ पे एक लड़के ने ऐसे इसको बोला होगा कि दिखा, इसने चेक वेक किया, अब ये इसको पीछे पड़ गया कि भाई ले ले ले, उसने भी नहीं लिया। और लास्ट में देखो भाई देखकर ही गया, उसको जबरदस्ती देकर गया और पैसे लेकर गया। पैसे आएंगे तो हम तो खाली हो जाएंगे बिहार में जाके, इतना लगता है आसाम में तो क्या हुआ साहब, मैं तो गाली मत दो उधर में जाके लेवल मार, तेरा हिंदी बोलने से हम लोग डरता नहीं। नहीं नहीं मैं हिंदी बोलने की बात नहीं यार, एक आए तो दे, अब 10 आएंगे तो 100 रुपया हमारा जाएगा। और आएगा कितने गोल पर हम उठेगा बंगा का मोटर तेरा बना के, तू भी घोर में रहता, इतनी हिम्मत नहीं है ठीक है। नहीं तो आप हमारा गुरु हम है, क्या हुआ तू तो वही काम करता है, हम तो देखने ऐसी हाल खराब कर, आपको तो शर्म है नहीं, गाली दे रहे हो तू इतने हैंडसम के हिजरे के साथ मुख लगाता है रे, नीचे लेडीज है माता हल्ली है क्या।
नहीं आया। सुबह से 75 रुपए दे दिए। सुबह से दिया है, वो गुवाहाटी का है। अभी कहां गुस्सा, अभी बोंगागांव डिस्ट्रिक्ट गुस्सा है। 75 रुपए दे दिए। बोंगागांव से मर जाएगा, बोंगागांव से भूखा मर जाएगा। मर जाएंगे हम भूखे ऐसे ही। हम लोग मर जाएगा। जब हमारे घर पे बेटा होगा फिर आना। कुछ तो कहते नंबर ले लो मेरा। हां क्या नंबर लेगा? क्या हो गया? मेरा सर क्या है ये? ये लाला भी किसका लाला बोला? मेरा है। भाई इधर हो गया। सो दोस्तों 10:20 हो रहे हैं और डिब्रूगढ़ से 742 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विवेक एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है और पहुंच चुकी है अपने 13th हॉल्ट पे, जो अपना न्यू बंगाईगांव जंक्शन, ये असम में पड़ता है। और न्यू बंगाईगांव को नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का। और ये सेकंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का। बाकी देखिए यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था हमारी ट्रेन का, विवेक एक्सप्रेस का, लेकिन ये ट्रेन ना यहाँ पे मुझे लगता है 20-25 मिनट बिफोर ही आ गई है। एक तो भाई बंदा अंदर बैठा होता है, जनरल में इतनी भीड़ भाड़ होती है तो बंदे को पता नहीं चलता बाहर कौन सा स्टॉप आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। मैंने फिर लाइव स्टेटस चेक करा और मेरे को पता चला कि भाई हम तो न्यू बंगाईगांव पहुँच गए। बाकी यार बहुत भीड़ है यार, सर मतलब दुख जाता है इतना चै चै चू चू। किन्नर लोग तो भाई आते रहते हैं एंड चल रही है लूट मार। देखते हैं कैसा जर्नी एक्सपीरियंस रहता है हमारा। कि दोस्तों जो न्यू बंगाईगांव है NBQ इसका स्टेशन कोड है और साथ यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये जंक्शन इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी ग्वालपारा होते हुए गुवाहाटी को जाती है और एक रंगिया होते हुए गुवाहाटी को जाती है। चढ़ो 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 भाई गेट आगे से बंद है और ट्रेन चल रही है और मैं फंस गया था यार। देखिए न्यू बंगाईगांव से डिपार्चर और देखिए ट्रेन में भीड़ भाड़। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी बंगाल में भी नहीं घुसी है। जब बंगाल में हमारी ट्रेन घुसेगी तब पता चलेगा इसमें कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। ओ भाई ये क्या फेंक दिया है? देखो भाई लोगों बदतमीज लोग खाना खा खा के ऐसे फेंक रहे हैं, कितना गंद फैला रहे हैं। कहाँ जाओगे भाई? तमिलनाडु। ये तो भाई तमिलनाडु जाएगी। कौन सी जगह? कोयम्बतूर। डिब्रूगढ़ से आ रहे हो? गुवाहाटी से। गुवाहाटी से आ रहे हैं और ये गुवाहाटी से आ रहे हैं और ये जाएंगे कोयम्बतूर तमिलनाडु में, है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आली उच्चैन। हाँ तो आली उच्चैन ऐसे ही बैठ के जाओगे, है ना? पहली बार जा रहे हो या पहले भी गए हो? पहली बार जा रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ये भाई भी भाई जा रहे हैं हमारे साथ, बट ये पीछे उतर जाएंगे लेकिन हम कन्याकुमारी जाएंगे। और जो अंदर लोग बैठे हैं ना वो सारे के सारे कोयम्बतूर उतर जाएगा, कोई विजयवाड़ा उतर जाएगा, बट कन्याकुमारी से कोई नहीं जाएगा। कितने का है? 20 रुपया। दो दो, दो, दो। रुपया। तीन दे दो तीन। तो भाई अभी हम ब्रेकफास्ट में ये अंडे कर रहे हैं क्योंकि भाई अंडे से बैटर हमें कुछ दिखा नहीं, बिरयानी थी ठंडी थी तो अभी अंडे खा के ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं ये देख लो, पहले दिखा भाई कहाँ कर रहे हैं। देखो आई नो गेट पे बैठना इलीगल है लेकिन अंदर जगह नहीं है भाई, जो हम रात पे बैठे थे वहाँ कोई और बैठ चुका है।
वेला सही है ये भी नहीं समझ रहे क्या करो आप बताओ अब तीसरा बंदा समझा रहे तब भी नहीं समझ रहे आप क्या करे आप बताओ ये वही ना भाई दोपहर के 12:04 हो रहे हैं और डिब्रूगढ़ से लगभग 846 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुकी है अपने 15th हॉल्ट पे जो है अपना न्यू अलीपुर द्वार। जो न्यू अलीपुर द्वार है ये बंगाल में पड़ता है, पहले हम असम में थे अभी हम वेस्ट बंगाल में आ चुके हैं। दोस्तों तीन प्लेटफॉर्म था अपने न्यू अलीपुर द्वार पे और ये जंक्शन इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी बक्सा रोड को चली जाती है और एक जाती है न्यू कोच बिहार को, जिस रूट पे हमारी ट्रेन जाएगी न्यू कोच बिहार वाला है। बगैर खाना तो नहीं मिला यहाँ से, देखते हैं कुछ मिल जाए ठंडा सा पीने के लिए। हाँ बाकी देखिए दोस्तों न्यू अलीपुर द्वार से डिपार्चर और मैं मरिंडा ले रहा था और अपनी ट्रेन चल चुकी है और मैं स्लीपर कोच में ही घुस गया। देखिए डिपार्चर देखिए बंगाल के न्यू अलीपुर द्वार से डिपार्चर और यहाँ पे माई ट्रेन लगभग 25-20 मिनट लेट आई होगी, 20 मिनट लेट आई होगी क्योंकि टाइम था वो 11:45 पे था पौने 12 बजे। देना अंडा बिरयानी क्योंकि हम अपने कोच में और खाना खाने के लिए जा रहे हैं। फिर से ले लिया हमने अंडा बिरयानी यही है भाई और कुछ मिल नहीं रहा। या माछी चावल है वो मैं खाता नहीं, माछी बस खाओ अंडा बिरयानी यार और कुछ आ नहीं रहा ऑप्शन। अब ऑनलाइन देखते हैं कुछ मिलता है तो नहीं है मेरे पास
तो मैं नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? खा लगूँ क्या? नहीं है मेरे पास, कहाँ से दूँ मैं यार? जबरदस्ती है क्या? नहीं है मेरे पास, कहाँ से दूँ मैं? नहीं है मेरे पास। सुबह से 50 बंदों को दे दिए, कितने बंदों को दे? नहीं आप क्या कितने रुपए का भैया? 20 रुपए भैया, 20 रुपए का लेना। भाई बाहर देख सकते हो, अभी हम पहुंचे हैं NJP न्यू जलपाईगुड़ी पे, और ये बड़ा बेच रहे। देना खाना और दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये हमारी यात्रा स्टार्ट हुई थी कि NJP पे हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होगा। यहाँ पे हमारी ट्रेन के साथ जो डीजल लोकोमोटिव लगा था ना, वो इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डीजल हटा देंगे और इलेक्ट्रिकल लगा देंगे अप टू विजयवाड़ा तक, ठीक है? तो क्योंकि यार पीछे डीजल सेक्शन थी, अब आगे इलेक्ट्रिकल सेक्शन आने वाली है पूरी की पूरी। बाकी न्यू जलपाईगुड़ी अपना जंक्शन भी है, जंक्शन इसलिए क्योंकि एक लाइन यहाँ से अपनी सिलीगुड़ी को जाती है, जो कि आगे जाके दार्जिलिंग वाली बन जाती है, टॉय ट्रेन वाली, और एक लाइन यहाँ से अपनी जाती है किशनगंज वाली, जिस रूट पर हमारी ट्रेन अभी जाएगी। रियल दे दो, रियल बड़ा या छोटा? बड़ा दे दो। कितने का? नहीं नहीं वो वही चाहिए यार, इतना बड़ा क्या करूँगा मैं। दे दो ये लिटल कितने का है? ये 30 रुपये का। बाकी दोस्तों हमारी जो ट्रेन है ना, वो लेट हो चुकी है। यहाँ पे इसने आना था 2:20 पे, लेकिन ये 2:12 पे आ रही है। बाकी अभी देखते हैं डिपार्चर न्यू जलपाईगुड़ी से, और अभी हमारी ट्रेन है वो और ज़्यादा भरने वाली है। स्लीपर में तो बात ही मत पूछो, लेकिन जनरल भी और ज़्यादा भरने वाला है मालदा से। सुबह ही देखिए हमारी ट्रेन का डिपार्चर NJP से। भाई को आइसक्रीम चाहिए चलती ट्रेन से। देखिए एंटरटेनमेंट फुल हो रहा है, गाने लगे हुए हैं पंजाबी हमारी ट्रेन में, तो टंगी रखता है। देखिए भाई बाइक की ट्यून, और कोई भी जाना कछुए जाओ, कौए जैसी बोलना, कौए जैसी सियाल का है, कुत्ते जैसा बोलना, कुत्ते जैसा बोलना, सियाल का बोल रहा है। अच्छी आवाज निकाल रहे हो, बोलना